व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम सर्वाइव कर रहे हैं 100 डेज इन हार्डकोर माइनक्राफ्ट और ये उसका फाइनल शोडाउन। इस सीरीज से हमें करने थे 500 सब्स, जो कि मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन गाइज आप रुको मत, आप करते रहो सब्सक्राइब, क्योंकि हर एक सब्सक्राइबर से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और एक नई वीडियो बनाऊँ। तो गाइज लेट्स स्टार्ट द लास्ट पार्ट। हर बार की तरह मैं कैरेट्स तोड़ लेता हूँ, जिससे कि हम बनाने वाले गोल्डन कैरेट्स, जिनकी रीजनरेशन बहुत आए, क्योंकि हमें एक्सप्लोर करना है ट्रायल चेम्बर्स। तो मैं निकाल लेता हूँ ट्रायल चेम्बर्स का मैप, जो हमने लास्ट टाइम कलेक्ट किया, तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट करके मैं स्टार्ट कर देता हूँ डिगिंग। और नीचे जाते जाते मैं पी लेता हूँ एक ओमनियस पोर्शन, जो कि हमारे काम आने वाले हैं, आप देख ही पाओगे आगे। तो थोड़ा यहाँ वहाँ खोदने का मुझे फाइनली दिख जाते थोड़े से अलग ब्लॉक्स, और इनको खोदते ही हम एंटर हो जाते हैं ट्रायल चेम्बर्स में। ये मेरी ट्रायल चेम्बर्स में घुसने की नाकाम कोशिश से मैं नीचे गिर जाता हूँ और एक्टिवेट कर देता हूँ सारे ट्रैप्स, क्योंकि मैंने ओमनियस बॉटल पिए तो जो मॉब्स आएंगे उनकी डिफ़िकल्टी भी ज़्यादा होगी, तो बहुत सारे स्पाइडर स्पॉन हो जाते हैं। और इनको मारते मारते मैं उछल रहा था तो देखता हूँ तो ये है हमारा नया मॉब, जो मेरे को मारे जा रहा है बार बार, और खुद ही फंस चुका है कॉबवेब में, तो इसको मैं टिकाने लगा देता हूँ। हाँ अच्छा, इनको एरो नहीं लगते, एक चेस्ट खाली क्यों है सब। तू तो गया भाई, तू तो गया। कितना उछलेगा भाई, रुक जा। ओ कुछ तो बजा। अब बहुत सारे मॉब्स को मारने के बाद मुझे फाइनली मिल जाती है हमारी फर्स्ट ओमनियस ट्रायल की, और ऐसे टोटल मुझे 2 मिल जाती है। अब इनको मुझे वॉल्स में लगाना पड़ता है, जिससे मुझे लूट मिलते हैं। तो मुझे पता है कि मैं जाकर इसको पहले एक नॉर्मल वॉल पे ट्राई करता हूँ, जो इससे खुल नहीं रहा था, तो मुझे दिखता है एक अलग तरह का वॉल्ट, जो कि इस की के लिए बना हुआ है मेरे हिसाब से। भी इसको लगाते ही मुझे मिलती है हमारी फर्स्ट अचीवमेंट और बहुत सारी लूट, जो कि इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन इसे लेकर मैं चल पड़ता हूँ थोड़ा सा आगे, जहाँ पे मुझे मिलता है एक और एक स्केलेटन स्पॉनर। अब ये स्केलेटन जो है एकदम बुद्धू है, एक दूसरे में लड़ते रहते हैं, लेकिन ये मुझे कुछ खास नहीं देते, बस एक स्ट्रेंथ का पोर्शन देते हैं, जिसको मैं रख लेता हूँ इनकेस मुझे ज़्यादा फाइटिंग करनी हो। और मैं आ जाता हूँ थर्ड लोकेशन पर, जहाँ पर 4-4 स्पॉनर दिखते हैं, तो मैं फटाक से स्ट्रेंथ का पोर्शन पी लेता हूँ, और ये स्केलेटन वापस अपने में ही लड़ने में लग रहे हैं। यहाँ पे भी है हमारा कूदने वाला भाई, बस कूदता रहता है वहाँ। अब मॉब्स को मारने के बाद मुझे मिलता है ये और एक ट्रायल की, इसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और आते टाइम मैंने एक वॉल का लोकेशन देख रखा था ऊपर, जिसमें मैं ट्रायल की लगाता हूँ, और हमें मिलता है एक आर्मर ट्रिम। अभी जो ट्रायल चेम्बर्स है इसमें 2 तरह के आर्मर ट्रिम मिलते हैं, लेकिन हमें ये वाला नहीं चाहिए, हमें दूसरा वाला चाहिए। तो मैं ट्रायल चेम्बर्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने निकलता हूँ, जहाँ पर मुझे मिलते हैं अजीब सी रूप, जहाँ पता नहीं कैक्टस का झाड़ बना के रखा है इन लोग ने, और चेस्ट में तो पूरे ट्रायल चेम्बर्स में ही टट्टी है, कुछ है ही नहीं। तो दूसरे रूम में आने के बाद मुझे दिखता है और एक वॉल्ट, जिसमें की लगा देता हूँ जो मेरे पहले से पड़ी है, और इससे मुझे मिलता है और एक फ्लोर मटर, जिसकी मुझे नहीं है ज़रूरत। और ये जो वॉल्स है ना, ये बहुत जगह पर इन लोग ने छुपा के रखे, लेकिन मुझसे ही नहीं छुप सकते ये। लेकिन ये वॉल्स में भी हमेशा टट्टी मिल रही है, पता नहीं एमरल्ड मिल रहे हैं मेरे को बहुत सारे, जो मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारे स्पाइरल स्टेयरकेस वाले रूम भी है, जिसमें नीचे जाना पड़ता है, और एक चेस्ट रहती है वहाँ पे, लेकिन ये चेस्ट में हमें कुछ नहीं मिला। और ये ट्रायल चेम्बर्स में हमें कुछ नहीं मिलता, तो हम जाते हैं दूसरे ट्रायल चेम्बर्स में। यहाँ पर आती है हमारा स्वागत करते हैं ज़ोंबी स्पॉनर। अब मुझे ज़ोंबी स्पॉनर सबसे ज़्यादा डैमेजिंग वाला लगा, थोड़ा सा हार्ड, कि ये बच्चे आ जाते हैं ना पीछे, और ये वॉल्ट हमें देता है एक बटाटा, मतलब सही में बटाटा। तो इसको छोड़कर मैं और एक वॉल्ट अनलॉक करता हूँ, और ये हमारा सिलसिला जारी रहता है जब तक हमें मिल नहीं जाती हमारी काम की चीज़ें। और एक फ्लो, अब मुझे ये जो स्पाइरल स्टेयरकेस वाला रूम है, यहाँ पे और एक मिलती है चेस्ट, जिसमें रहती है ट्राइडेंट। मतलब ये चाहता है कि हम ट्राइडेंट भी चलाए, और हम लकी हो कि हमें ट्राइडेंट मिल जाता है, ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और थोड़ी देर बाद ही नेक्स्ट में हमें मिल जाता है हमें जो चाहिए था,
हैवी कोड मेज बनाने के लिए चाहिए रहता है। तो हमारी लूट ऑफिशियली कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे ट्रायल चेंबर्स की, हमें कुछ नहीं चाहिए और ट्रायल चेंबर से। तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ और यहाँ से बाहर आते ही मुझे दिखता है ये नमूना जो हमारे वर्ल्ड में घूमता रहता है, जिसने आज तक एक भी ढंग का काम नहीं किया पता नहीं, और ये गायब पड़ा है। लेकिन मैं तो इसको देख सकता हूँ। पहले तो मैं अपने शल्कर बॉक्स में रखे हुए आइटम्स को निकाल लेता हूँ और हम पहले बना देते हैं एक मेस, जो कि ये अपना हथौड़ा बन चुका है अभी, उसको ट्राई करेंगे। लेकिन इसके पहले उसको हम एंचेंट भी करेंगे। और दूसरा हमें अपनी आर्मर की करनी है सजावट, इसके लिए मैं निकाल लेता हूँ बोल्ट आर्मर ट्रिम, जो कि थोड़ी सी रेयर है एज कम्पेयर टू फ्लो। अब ये जो रहती है ना, ये हमारे पास दो ही है, तो हमें इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं कलेक्ट करने जाता हूँ कॉपर, जो कि मैंने आज तक इग्नोर किए इतनी होने के बाद भी वर्ल्ड में, लेकिन हमें अभी ज़रूरत पड़ रही है इसकी। और फिर हम कर लेते हैं डुप्लीकेट अपने आर्मर ट्रिम को, जिससे कि हम इसको पूरे आर्मर पे लगा सकते हैं हमारे। अब मैं आ जाता हूँ ऊपर अपने आर्मर पे ये ट्रिम लगाने, जो हमने नई नई ली है, और इस पर हम लगाएंगे डायमंड वाली, जो कि मुझे सही लग रही है देखने में बहुत। पहन के देखते हैं भाई कैसी लग रही है ये आर्मर ट्रिम, मुझे तो बहुत सही लग रही है। आप बताओ कमेंट से कैसी लग रही है ये। अब यहाँ से मैं नीचे कूदता हूँ, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ रही थी लैपिस की, कि हमें अपने एंजेंट्स करने हैं, वो हमारे पास है नहीं। तो मैं घुस जाता हूँ एक केव में, और हमें जब नहीं चाहिए रहता है ना, तब इतने डायमंड्स दिख जाते हैं मुझे। लेकिन इनको लेने का मेरा कोई मूड नहीं है, क्योंकि अभी हमारे ज़रूरत भी नहीं है डायमंड्स की, हमें बस लैपिस की ज़रूरत है, जो कि मैं लेता हूँ और मैं निकल लेता हूँ। और थोड़ी सी साइकिल करने पे एंचेंटमेंट से हमें अपनी मेस पे मिलता है डेंसिटी 5 एंचेंटमेंट, जो कि मैक्स है, और उसके साथ अनब्रेकिंग 3 भी लग के आ जाता है। मतलब ये बहुत सही हो गया, हमारी डेंसिटी 5 लग गई डायरेक्टली मेस पे। और इसके बाद मैं कर देता हूँ थोड़े से और एंचेंट्स। अब बारी आ चुकी थी हमारे मेस को टेस्ट करने की, तो मैं ट्राई करता हूँ कि टेस्ट करूँ। तो वो मेंडिंग की बुक लेकर मैं निकल लेता हूँ वापस ऊपर, जहाँ पर हम मेस पे लगा देते हैं मेंडिंग, जिससे हम इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत बार। अब यहाँ से जब मैं नीचे उतर रहा होता हूँ, तो देखो गाइस क्या होता है अभी। मतलब ये तो अच्छा है कि मेरे पास टोटम हाथ में ही था, नहीं तो अभी तक ये वर्ल्ड एंड हो चुका होता। तो हम निकल लेते हैं नेदर में, जहाँ पर मैं टेस्ट करता हूँ अपना फर्स्ट ट्राइडेंट हिट, और इसको हम ट्राइडेंट से नहीं मार सकते, इसको स्वॉर्ड से ही मारना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लूटिंग है, कि हमें विदर स्केलेटन स्कल्स चाहिए। और हमें अपने दो स्कल्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं, मतलब चौथे वेदर स्केलेटन पे ही हमें पहला स्कल मिलता है हमारा, और आठवें स्केलेटन पे ही हमें दूसरा स्कल मिल जाता है, लेकिन तीसरे स्कल को थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन स्कल मिलते ही मैं निकल लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरा काम हो चुका था, और आ जाता हूँ अपने पोर्टल पे और घर पे फाइनली, जहाँ पर अभी विदर्स के फाइट करने के लिए हमारे पास बहुत दिन बचे हैं अभी। तो उससे पहले हमारी एक कैट है ऑरेंज कलर की, जिसको अभी तक हमने घर नहीं बनाया, तो हम थोड़ा सा बिल्डिंग कर लेते हैं अभी। इसके लिए मैं कलेक्ट करता हूँ डाइस, इससे बनाता हूँ हमारे कॉन्क्रीट उस कलर के, कि हमारा कैट है ऑरेंज और येलो, तो हम इस दोनों कॉन्क्रीट बना लेते हैं, इसको हार्ड कर लेते हैं, और फिर स्टार्ट कर देते हैं अपना कैट हाउस।
अब हमारा कैट हाउस भी बन चुका है और हमारे पास अभी भी बहुत सारे दिन बाकी है माइनक्राफ्ट में 100 डेज के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने कौन सा बॉस डिफीट नहीं किया है, और मुझे याद आता है कि हमें एक बॉस बचा है अभी भी जो कि है एल्डर गार्डियन। तो मुझे पता है वो कैसे काम करता है, मिल्क ले लेता हूँ जो कि अभी देखोगे आप क्यों काम आएगा, और एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट ढूंढ लेता हूँ। मैंने तो बकेट टॉक मिल्क लाया भाई, कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। और मुझे पता है कि ये तीनों की लोकेशंस क्या है, तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे खोदता हूँ, और मुझे पता है इनके बॉस रूम्स क्या है तो मैं मार देता हूँ इन तीनों को। और इनको मारते मारते हमें ब्रीदिंग की भी टेंशन नहीं है क्योंकि हमारे पास रेस्पिरेशन 3 लगा हुआ है हेलमेट जो कि बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रोवाइड करता है। लेकिन फिर भी मेरे पास डोर्स थे 3 जिनको मैं एमरजेंसी ऑक्सीजन जैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो अब इन तीनों को मारने के बाद मुझे पता है गोल्ड कहाँ मिलता है, तो वो मैं ले लेता हूँ। इनके समय कुछ बनाना हो गोल्डन एप्पल या गोल्डन कैरेट्स। अब यहाँ से निकलने के बाद मैं आ जाता हूँ घर पे, जहाँ पर हो चुका था अभी डे 100 हमारा कंप्लीट गाइस। तो ये सीरीज का डे 100 अभी कंप्लीट हो चुका है, अभी हमारा वीदर स्केलेटन से भिड़ना बाकी है अभी भी। तो मैं ढूंढता हूँ एक जगह जहाँ पे हम वीदर स्केलेटन बोल रहा हूँ वीदर को स्पॉन कर सकते हैं हमारे, क्योंकि घर के बाजू में मुझे एक प्लेन्स दिखती है। अब मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं इसको डिफीट करूँगा अपने ट्राइडेंट और मेस से जो हमने नए वेपन्स बनाए हैं, लेकिन वो कैसे जाता है वो आगे ही पता चलेगा आपको। ट्राइडेंट का ये तकलीफ है कि ये एक बार मैंने फेंक दिया तो मैं बार बार दूर फेंक रहा था ट्राइडेंट को, तो आने में ही करीब करीब 3 से 4 सेकेंड लग रहे थे हर बार। यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसी हो रही थी कि मैं नेदर रूफ पे तो नहीं लड़ रहा हूँ इससे, और यहाँ पे एनिमल्स बहुत ज़्यादा है, और हर बार जब वीदर किसी को मारता है उसकी हेल्थ रीजनरेट होती है। मैं इसे ट्राइडेंट से मार रहा था, ये बार बार रीजनरेट हो जा रहा था क्योंकि इधर बहुत सारे एनिमल्स है और टेरेन भी थोड़ा बिगड़ रहा था, जिसके वजह से मैं बार बार फंस रहा था यहाँ पे वहाँ पे। थोड़ी देर में ट्राई करता हूँ कि मैं इसको पूरा ट्राइडेंट से ही मारूँ। ट्राइडेंट के लो डैमेज और लॉन्ग टाइम से मैं तंग आकर मैं अपना बो निकाल लेता हूँ। यहाँ पर फिर मैं इसको फटाफट एकदम इसके हेल्थ हाफ पे लाता हूँ, जिसके बाद वो इस पर काम नहीं करेगा। अब मैं मेस यूज़ करने का भी ट्राई करता हूँ, लेकिन इससे भी बहुत कम डैमेज हो रहा था और एकदम रात हो गई थी और अब हॉस्टाइल मॉब्स भी आने चालू हो जाएंगे। इसके लिए मैं अपनी तलवार निकाल लेता हूँ फाइनली, जिससे कि ये बहुत जल्दी मर जाता है। लेकिन फिर भी मुझे 2 गॉड एप्पल यूज़ करने पड़ते हैं अपने, लेकिन हमें मिल जाता है फाइनली अपना नेदर स्टार। अब मैं घर आते ही इसको बना लेता हूँ एक बीकन में ऑब्सीडियन के हेल्प से, और इसको हम लगाएंगे अपने सेंटर ऑफ बेस में। तो मैं आयरन ब्लॉक्स बना लेता हूँ हमारे फार्म से आयरन जो मिला था, और इससे हम बनाएंगे फाउंडेशन। अब ये फाइनल आयरन ब्लॉक लगा कर मैं लगा देता हूँ बीकन, जिससे कि मुझे मिलते 2 अचीवमेंट्स, और इसमें हम आयरन डालेंगे और फिलहाल हम लेंगे स्पीड 2। बहुत फास्ट भाग रहा हूँ भाई मैं। तो इसके आजू बाजू थोड़ा सा हम आयरन बार्स लगाएंगे जिससे थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। और गाइस हमारे ऑफिशियली ये सीरीज़ के 100 डेज ख़त्म हो चुके हैं, और ये है सारी चीज़ें जो हमने बनाई, स्टार्टिंग विद हमारा फार्म काऊ और शीप्स का, फिर हमारा वीट फार्म, हमारा शुगर केन फार्म, हमारा मॉफ फार्म जो कि हमें बहुत एक्सपीरियंस दिया है, फिर हमारा बिलबोर्ड जिस पे हमने अभी तक तो कुछ लगाया नहीं ठीक है, फिर हमारे कैट हाउसेस प्यारे प्यारे तीनों जिसमें हमारे कैट्स रहे, और फाइनली हमारा बीकन, और हम अपने घर को तो भूल भी नहीं सकते। और हाँ, ये नेदर पोर्टल भी था। अभी इन चीज़ों को बाय बोलने का टाइम आ चुका है गाइस। लेकिन मैंने बोला था लास्ट एपिसोड में कि हम अच्छे से हराएंगे वार्डन को, तो हम वही करने वाले इस एपिसोड में आखिर में हमारे सीरीज के। मैं चला जाता हूँ अपनी फुल तैयारी करके, जो भी मेरे पास है उसको लेकर एंशिएंट सिटी की तरफ जो हमने लास्ट टाइम एक्सप्लोर की थी वार्डन के साथ फाइनल मुकाबला करने के लिए। अब यहाँ पे हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। तो एंशिएंट सिटी में आते ही मैं एकदम शांत रहता हूँ, क्योंकि मुझे एक टाइम पे एक ही वार्डन स्पॉन करना है। इसके लिए मैं थोड़े से सेंसर ढूंढता हूँ और उनको तोड़ने लग जाता हूँ। ये सेंसर को तोड़ते ही एक वार्डन स्पॉन हो जाता है। अब इससे हमें लड़ना तो पड़ेगा। इसको बुलाने के लिए मैं थोड़े से शॉट्स मारता हूँ अपने तरफ,
आ गया। अरे भाई वो आ रहे। पास आ गया। उरी ओए गोल्डन एप्पल। भाग। अरे भाई क्या मार रहा है, को मारना पड़ेगा। गोल्डन एप्पल। अरे नहीं, जा। अरे मेरा माउस जा। गोल्डन एप्पल कहाँ मेरा? फटा। कोई नहीं, हो जाएगा। नहीं, टोटम गया।